अगर आपको इस तरीके से बता रहा है, दिस ऐप वॉज बिल्ड फॉर एन ओल्डर वर्जन फॉर एंड्रॉयड एंड मे बी नॉट वर्क प्रॉपरली, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने लिखा जाता है और इसको कैसे फिक्स करना है, क्या करना है, तो वही इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और 100% सॉल्यूशन भी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या कि मान लीजिए आप मेरे पास एप्लीकेशन है एक, यहाँ पे मुझे ये दिक्कत बहुत सारे एप्लीकेशन में आ रही थी। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम एक कैशिफाई का जो एप्लीकेशन है, इसमें मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। कैशिफाई के एप्लीकेशन में आपका अलग अलग हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन का सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है आपके फ़ोन के अंदर और क्या करना है, यहाँ पर कैशिफाई लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप कैशिफाई सर्च करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करते हैं कैशिफाई, ठीक है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको अपडेट लिखा आ रहा है, मेरे में अभी ओपन लिखा आ रहा है, ठीक है, मैंने इसे अभी अपडेट कर रखा था, इस वजह से यहाँ पे ओपन लिखा आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे ओपन की जगह अपडेट लिखा आता है, तो सिंपली से आप क्या करेंगे, अपडेट बटन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप अपडेट करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सोल्यूशन है। अब कभी कभी क्या होगा कि बहुत बार यहाँ पे ये एक और दिक्कत आती है कि यहाँ पे कोई भी अपडेट वगैरह नहीं है, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन जो है अप टू डेट है, यानी कि आप देखिए कैशिफाई का जो मेरा एप्लीकेशन है वो पहले से ही अपडेट है, इसमें अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन फिर भी ये एरर आ रही है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका फ़ोन का जो एप्लीकेशन है जिसमें ये प्रॉब्लम आपको है, उसको आपको अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट, यहाँ से आपको अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये ओके करके अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। और वापस प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पर कैशिफाई लिखिए और यहाँ से वापस से रीइंस्टॉल कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आपने प्ले स्टोर के अलावा कई और तरीके से जो है ऐप डाउनलोड कर रखी होगी, तो वहाँ पर भी आपको उसका अपडेट चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्ले स्टोर के बाहर आपको अपडेट पता नहीं चलते कौन सा ये वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हो सके तो प्ले स्टोर से ही यूज़ कीजिए, बाकी अगर आप प्ले स्टोर के बाहर से कहीं डाउनलोड किए हुए हैं तो उसका लेटेस्ट वर्जन आपको ढूंढना है और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उससे पहले आपका जो भी मेन एप्लीकेशन है उसको डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, देन ही आपको नया ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपको यहाँ पे जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।